हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक विशेष डिजीज स्वाइन फ्लू के विषय में बताने जा रहा हूँ। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला फ्लू है। इस स्वाइन फ्लू का संक्रमण सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों में होता है। सन 2009 में स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप लेना प्रारंभ कर दिया। स्वाइन फ्लू ग्रसित व्यक्तियों के छींकने खांसने पर इसके वायरस हवा में फैलते हैं और हवा के माध्यम से ये एक से दूसरे व्यक्तियों में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात इनका संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी लगभग 7 दिन तक इस वायरस से वायु का संक्रमण होता रहता है। इसके प्रमुख लक्षण हम आपको बता दें, जिन लक्षणों के द्वारा आप पहचान कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को स्वाइन फ्लू का संक्रमण हो चुका है। व्यक्ति खांसता व छींकता है। रोगी व्यक्ति के गले में खरांस रहती है, नाक बंद रहती है या जुखाम के कारण नाक बहती रहती है। शरीर में दर्द, बुखार और सर्दी लगती है। सिर दर्द, थकान आदि जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। कभी कभी निमोनिया, श्वास रोग या सांस लेने में परेशानी या अस्थमा के लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि यह भी एक संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग फैलता है। इस प्रकार के लक्षण प्रतीत होने पर रोगी व्यक्ति को तत्काल ही चिकित्सक को दिखाएं और उचित दवा तथा परामर्श लें। ऐसे लोगों को सामान्य लोगों से थोड़ा दूरी बना करके ही रखें। जब भी ऐसे व्यक्ति खांसते या छींकते हैं तो वो मुख पर रुमाल या तौलिया लगा करके ही छींकें या खांसें, और उनके द्वारा प्रयुक्त तौलिए या रुमाल का प्रयोग अन्यत्र दूसरा कोई व्यक्ति न करे। तो मैं ये आपको बता दूं कि संक्रामक रोग जो भी होते हैं, इनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि रोगी व्यक्ति से थोड़ा हम सतर्क रहें और ऐसी अवस्थाओं में हम उससे दूर ही रहें। दूर का तात्पर्य, अगर कोई घर का सदस्य है तो कितना दूर रह सकता है, अपितु उसके बिस्तर, वस्त्र, विशेषकर रुमाल, तौलिए या जैसे मोबाइल आम प्रचलन की चीज़ है, उसके हाथ से वायरस चिपके हुए हैं, उसके मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं, उसके रुमाल का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से भी इसका संक्रमण अन्य सदस्यों में, स्वस्थ व्यक्तियों में होता है। तो इससे बचाव के लिए सुकरों या सुअर आदि या पक्षियों के संपर्क में हम न रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें। तो ये वीडियो मैं आपको इस प्रकार की जागरूकता के लिए दे रहा हूँ कि आप ऐसे रोगों से, जो संक्रमणकारी रोग हैं, रोगी व्यक्ति से किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा करें, और रोगी व्यक्ति के अंतर्गत अगर ये लक्षण प्रतीत होते हैं तो हम रोगी व्यक्ति को तत्काल ही चिकित्सक को दिखाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात उपचार से बचाव अच्छा है। अगर हम बचाव करें तो हमको उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक्स।